हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फैक्टर थ्योरम का सबसे पहले आपको मैं बता दूं फैक्टर थ्योरम है क्या। अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, लेट अस से पीएक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री और डिवाइजर इसका लीनियर हो, डिवाइजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो यू नो इट वेरी वेल दैट लीनियर मींस पावर वन। लेट अस से एक्स प्लस ए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको और सिंपल करने के लिए सपोज एक्स माइनस ए है, अगर एक्स माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है, वो इसका पॉलिनोमियल को डिवाइड करे, तो देन पी एट ए गिव्स द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो बस यही थ्योरम है। तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जो आपका डिवाइजर है आप उसे जीरो पुट करके देख लो। सपोज डिवाइजर आ गया, लेट अस से 2x + 3 मान लो, ये डिवाइजर है, ये भी लीनियर है, तो x की जगह क्या पुट करना है, तो ये बड़ा सिंपल है, आप इसे जीरो पुट कर दो, तो वी विल गेट 2x = - 3, देन वी गेट x = - 3 / 2। यानी पॉलिनोमियल में जहां भी x आए वहां माइनस 3 / 2 पुट कर दो और कैलकुलेशन करते जाओ, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। कैलकुलेशन में गलती मत करना, अदरवाइज मेथड यही है। फैक्टर थ्योरम इसी की एक एक्सटेंशन है। यानी अगर मान लो आपने पी ए फाइंड किया और पी ए रिमाइंडर आ गया जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम इसी थ्योरम को फैक्टर थ्योरम बोल देते हैं। देन वी से एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो याद रखना, फैक्टर अगर होता है तो रिमाइंडर नहीं बचता। सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं आपको, मान लो मैं ये कहूं 10 इज अ फैक्टर ऑफ 70, फिर मैं कहूं 10 इज नॉट फैक्टर ऑफ 72, तो मीनिंग ये है कि अगर ये इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर मैं कह रहा हूं ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 10 इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अदर देन जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर बचेगा तो हम ये कहेंगे नॉट अ फैक्टर ऑफ, और नहीं बचेगा वी विल से इट इज अ फैक्टर ऑफ। तो इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में बड़ी सिंपल एक एक्सरसाइज 2.3 है, मैं उसके एक दो क्वेश्चन कर देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल है, लेट अस से एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। आपको मैंने बताया पॉलिनोमियल इन एक्स, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉलिनोमियल इन एक्स। क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, सपोज सेकेंड पार्ट में डिवाइडेड बाय एक्स माइनस हाफ, तो आपको डिवाइड नहीं करना, डिवीजन एक अलग वीडियो में दूंगा आपको मैं। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब ये इसको डिवाइड करें एक्स माइनस टू से। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आपको मैंने बताया कि जो भी डिवाइजर है उससे इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू आ गया 1/2। तो इसका मीनिंग है पॉलिनोमियल में जहां भी एक्स आए वहां 1/2 पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल पी 1/2, इट मीन्स 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यू पुट कर दे, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर दे। जैसे ये करोगे ये बन जाएगा 1/8, देन 3 और ये बनेगा 1/4, तो आई कैन राइट इट एज 3/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 3 3/4 प्लस 3 इंटू 1/2 3/2 प्लस 1 मींस 1/1। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और कोई भी आउट हमारे पास नहीं होता, तो वी टेक एलसीएम, इट इज 1, डिवाइड करके 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 6, डिवाइड करेगा 4 आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई करेगा 12, ये डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेगा 8, तो 12 20 26 27 27/8 इज द रिमाइंडर एंड आंसर। ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, नहीं सॉरी सेकंड पार्ट करवा दिया, एक पार्ट में और करवाता हूं, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो मेथड यही रहेगा। अगर सपोज़ का लेट अस से फोर्थ पार्ट लें, तो फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल वही रखा है बट डिवाइजर चेंज कर दिया है। तो इसी पॉलिनोमियल में क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 + 2x। अगर आप इसका देखें फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सॉरी,
ये 5 प्लस 2x है, पुट इट इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2। फिर वही बता रहा हूं, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसे 0 पुट कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो और x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अब देखें स्टार्ट करते हैं इस तरह से, p माइनस 5 बाय 2, यानी जहां भी x आएगा, क्योंकि पहले ये इधर गया है, ध्यान रखना इसको बाद में टच करना, पहले ये उधर गया देन ये अकाउंट में आया, तो जहां भी x आएगा वहां ये पुट कर देंगे, इज इक्वल टू स्टार्ट करते हैं माइनस 5 बाय 2 पावर 3 प्लस 3 माइनस 5 बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 x मींस माइनस 5 बाय 2 और प्लस 1 एज इट इज। तो फर्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करिए, सेकंड में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। माइनस की ऑड पावर है, ध्यान रखना चाहे पावर 3 हो 5 हो 7 हो, माइनस की ऑड पावर हो तो माइनस है बना रहता है, तो ये बना रहेगा। 5 क्यूब इज 125 एंड इट इज 8 प्लस, माइनस की इवन पावर है 2 4 6 8, इवन पावर में साइन प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 ये है इनटू ये बनेगा 25 बाय 4 दैट इज 75 बाय 4 विद प्लस साइन। ये तो सिंपल है आपके सामने, माइनस 15 बाय 2 प्लस 1 बाय 1। अगर वैल्यू ठीक प्लेस दे तो एलसीएम से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो वी टेक एलसीएम माइनस 125 प्लस ये 2 आएगा, 2 इससे करके 150 माइनस ये इससे करके 4 आएगा 60 प्लस 8, तो प्लस के सेपरेट कर दो प्लस के 158, माइनस के सेपरेट कर दो माइनस के 185, तो माइनस के 27 ज्यादा है, तो देयरफॉर माइनस 27 बाय 8 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो आई थिंक इसके बाद आप और ज्यादा इस पे टाइम डिवोट करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल यही चाह रहा हूं कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराऊं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट में इसके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगा, और डिपेंडिंग ऑन फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ओके, थैंक यू।